पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रभाकर पांडे लेकर आया हूं आज का राशिफल। तो चलिए बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातक कन्या में चंद्रमा आज आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकती है, इसलिए आप जो भी करते हैं उसमें सावधान रहें। जब एक छोटी सी दुर्घटना के रूप में सड़क पर आपके लिए संकेत दिया जा सकता है तो अतिरिक्त सावधान रहें। व्यावसायिक रूप से प्राधिकरण के आंकड़े आज आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, आपको इस पर शांति से काम करने की आवश्यकता है और चीज़ें निश्चिंत रूप से सुधार करेगी। नीला दिन के लिए आपका भाग्यशाली रंग है। इष्टतम परिणाम के लिए आज दोपहर 3 बजे से पहले कोई भी महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित किया जाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातक कन्या में चंद्रमा के गोचर के कारण आज जो कुछ भी करते हैं उसमें आपको ढेर सारी खुशियां मिलेगी। यह आपको पूरे दिन खुश और प्रफुल्लित रखेगा। आज किसी भी तरह से झगड़े या वाद विवाद में ना पड़ें। अपने आसपास सकारात्मक प्रभाव का अधिकतम लाभ उठाएं। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 के बीच कुछ भी महत्वपूर्ण योजना बना सकते हैं। दिन के लिए रॉयल ब्लू आज आपका लकी कलर है। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातक आज उन सब लोगों में आपका सफलता मिलेगी जिसके बारे में आप अवसर सोचते हैं लेकिन वास्तव में कभी गंभीरता से नहीं लिया। कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपकी बौद्धिक क्षमता को तेज करने के लिए एक आदर्श समय का संकेत देती है। प्रिय मिथुन राशि, आज अपनी प्रवृत्ति को अपना मार्गदर्शन करने दें और आगे अवसर मिलने की संभावना है। इस दौरान आपको अपने कैरियर के संबंध में अच्छी खबर मिलेगी। आज आप अपनी रुचि के क्षेत्रों में कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने और सीखने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपका कैरियर मजबूत होगा, इसलिए इस अवधि का अधिकतम लाभ उठाएं। सुबह 11:20 से दोपहर 1:25 का बीच का समय दिन के लिए आपका अनुकूल समय है। शुभ रंग का उल्लेख नहीं किया गया है। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। प्रिय कर्क राशि के जातक कन्या में चंद्रमा के गोचर के कारण आप में से कुछ लोगों को थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह हालत आपको मुश्किल लग सकता है, परंतु आपकी दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति आपको इन कठिन हालातों का सामना करने में आपकी सहायता करेगी। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि आज आपके रास्ते में आने वाली कई अद्भुत अवसरों को आप खो न दें और केवल नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना भी बंद करें, बल्कि आपको उन विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए जो अभी का आपके समक्ष आ रहे हैं। ऐसा करने से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी और आपकी सकारात्मकता भी बनी रहेगी। दोपहर 12 बजे से 2:30 का बीच का ग्रह आप पर सबसे अधिक कृपा करेंगे, तो बनाए गए समय के अनुसार महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनाएं। फिरोजा रंग दिन के लिए आपका भाग्यशाली रंग है। तो चलिए बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातक आज आप किसी बात को लेकर बेचैन हो सकते हैं, अपनी जिम्मेवारियों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। कन्या राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपकी ऐसी कुछ पता चलेगा जिस पर अपने आप तक ध्यान नहीं दिया है। हो सकता है आप अपना दिमाग अपने दोस्तों पर रखें। आपको अपना ध्यान अपने काम पर लगाना होगा। आसमानी कलर आज आपका लकी कलर है। शाम 4 बजे से पहले कोई भी जरूरी काम पूरा कर लें। तो चलिए बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातक कन्या राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण बचत करने के बारे में सोचें। कुछ मुहूर्त में काम करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आप तनाव मुक्त रहेंगे, जिसका आपको निजी जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आपको धैर्य रखना चाहिए, शांति बनाए रखें। आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो इसे सुबह 9 बजे से 10 बजे तक का ले सकते हैं। लाल आज का आपका लकी कलर है। तो चलिए बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातक कन्या राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपके जीवन के कई क्षेत्रों में खुशी आएगी। आपको अपने कैरियर और घरेलू मोर्चों पर गतिविधियों को सकारात्मक दिशा में देखने की उम्मीद करनी चाहिए।
इस समय के आसपास पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे। जो भी तनाव पैदा होगा आज के दिन का आनंद लें। दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:30 के बीच का निपटारा कोई भी काम निपटा लीजिए। संतरा कलर आज के लिए आपका लकी कलर है। तो चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातक, आज अपने किसी यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। कन्या में चंद्रमा आपको कहता है कि आपके योजना के बीच बाधाएं आने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। इस योजना में कुछ अवरोध प्रकट हो सकता है या फिर पूरी योजना ही तब्दील हो सकती है घटनाक्रम में। आज आपके रास्ते में जो मोड़ आते जाए उन पर मुड़ते जाएं और बड़े स्वरूप में देखते हुए यह समझें कि यह सभी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज आपके रास्ते में आने वाले छोटे अप्रत्याशित बदलावों पर ज़्यादा बात नहीं देना चाहिए। शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी जिंदगी के लिए पीला रंग धारण करें। तो चलिए बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातक, कन्या राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। परिवार और दोस्तों के मामले में आज का दिन अच्छा होगा। आपको किसी मित्र या परिवार के सदस्य से आपको बात करनी चाहिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं। नेगेटिविटी से दूर भगाने के लिए आज हरा आज आपका लकी कलर है। दोपहर 3 बजे से 4 बजे का बीच का समय आपके लिए लकी होगा। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातक, कन्या राशि में चंद्रमा की उपस्थिति आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। आज आप आराम, संतुष्ट और शांत महसूस कर सकते हैं। आज आप कुछ भी गंभीर करने की मूड में नहीं हैं। आप दोस्तों के साथ मेलजोल करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, बाहर समय बिताना चाहते हैं, एक रेस्तरां में खाना खाना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं। आप छोटी छोटी बातों को चिंता करके दिन खराब नहीं करना चाहते हैं। आप इस समय कुछ और सामंजस्यपूर्ण व्यक्तिगत संबंधों की तलाश में हैं। कन्या राशि का चंद्रमा आपके गहरे स्तर पर इस रिश्ते को और मजबूत करने में मदद करता है। लाल रंग पहनकर दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में प्रसारित करें। आपका भाग्यशाली समय 6 बजे शाम से रात 8 बजे तक का बहुत ही भाग्यशाली है। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातक, कन्या राशि में चंद्रमा का आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और यह गोचर आपको जागृत करेगा, जो आज आपको परेशान करने वाली किसी भी नकारात्मकता को दूर करने में मदद करेगा। आज के दिन आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। मन की शांति प्राप्त करने और अपने लिए कुछ अच्छे कर्म प्राप्त करने के लिए कुछ सोशल कार्यों में स्वयं को शामिल करें। कुछ समय निकालें और चीज़ों को अपने लिए सही करने में लगाएं। किसी चीज़ का भ्रम जल्द ही दूर हो जाएगा और आगे का सही रास्ता दिखेगा। आज आपके लिए पीला रंग शुभ रंग है। शाम 6 बजे से 7 बजे का बीच का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातक, उन लोगों से दूर रहने का सुझाव दिया जाता है जिनके मन में अच्छी रुचि नहीं है। कन्या राशि में चंद्रमा की उपस्थिति उस प्रकार के व्यक्ति के प्रति कुछ नकारात्मक भाव और ईर्ष्या को दर्शाती है। यदि आप नकारात्मक भाव वाले इस व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आप परेशान और निराश महसूस कर सकते हैं। यह भी सुझाव दिया जाता है कि इन नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने जीवन में ना आने दें, जो आपको परेशान करती है। नारंगी लाल रंग पहनना आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि यह आपके जीवन में सकारात्मक वाइब्स और अच्छे वाइब्स लाएगा। यदि आप सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ करने का शुभ समय दोपहर 3 बजे के बाद का है और बहुत ही भाग्यशाली है। तो फिलहाल राशिफल में बस इतना ही। आगे के राशिफल जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।